Everybody sing that shit. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जतिन पटेल और आप देख रहे हैं हमारी YouTube चैनल ऑनलाइन ट्रिक्स एंड ऑफर्स। दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने फ़ोन के डायलर पे अपना फ़ोटो लगा सकते हैं। हाँ दोस्तों, अपना फ़ोटो डायलर पेड पे कैसे लगा सकते हो और कॉन्टैक्ट लिस्ट में भी लगा सकते हो, कॉल लॉक के बैकग्राउंड में भी लगा सकते हो। तो ये सब कैसे करना है इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो दोस्तों आप वीडियो लास्ट तक देखिए, एंड तक देखिए। तो समय नहीं करते, वीडियो स्टार्ट करते। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको यहाँ पे पहला काम करना है, यहाँ पे यूसी ब्राउज़र में जाना है और यहाँ पे गूगल का पेज ओपन करना है और यहाँ पे टाइप करना है Zen UI डायलर, इसको सर्च करना है और यहाँ पे पहली वेबसाइट आ जाएगी, उसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे डाउनलोड APK पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 2-3 सेकंड वेट करनी है और यहाँ पे आपको एक डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, उसके ऊपर आपको डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। ये देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ चुका है और डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है हमारी एप्लीकेशंस। तो ऑलरेडी मैंने एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखी है, तो मैं इसको पॉज कर दूँगा। तो दोस्तों यहाँ पे डायलर का ऑप्शन आ चुका है, उसको आपको सिंपल लेके जाके यहाँ पे होम स्क्रीन पे रख देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको फॉन्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो 3 डॉट बने हैं वहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे पर्सनलाइज सेटिंग्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे डायलर बैकग्राउंड पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे गैलरी का एक ऑप्शन मिलेगा, तो हम लोग यहाँ पे गैलरी पे क्लिक करेंगे और हमारी जो फ़ोटो से वहाँ से कोई भी एक फ़ोटो सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ से कोई भी एक फ़ोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों मैंने यहाँ से एक फ़ोटो सिलेक्ट कर ली है और यहाँ से आप उसको क्रॉप कर सकते हैं। मैंने इस तरीके से उसको क्रॉप कर लिया है और डन बटन पर क्लिक कर दूँगा तो यहाँ पे बैक आऊँगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे डायलर पे हमारा यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज आ चुकी है। उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में हमें भी रखना चाहते हैं तो कॉन्टेक्स्ट में भी रख सकते हैं फ़ोटोज़। तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे डायलर में आना है और यहाँ पे जो 3 डॉट बने हैं वहाँ पर आपको क्लिक करना है, सेटिंग्स में जाना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर पर्सनलाइज सेटिंग्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर कॉन्टेक्ट लिस्ट बैकग्राउंड पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पर गैलरी पर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से कोई भी एक फ़ोटो सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ से कोई भी एक फ़ोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद उसको यहाँ पे क्रॉप करना है हमें कुछ इस तरीके से और डन बटन पे क्लिक कर देंगे। बैक जाएंगे दोस्तों तो हमारी फ़ोटो हम लोग यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में जाके देखेंगे कि वो सेव हो चुकी है कि नहीं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी कॉन्टेक्स्ट में बैकग्राउंड फ़ोटो यहाँ पर आ चुकी है। तो दोस्तों इसी प्रकार आपको यहाँ पर अपने डायलर पर और कॉन्टेक्ट में फ़ोटो रख सकते हैं, मैन्युअली सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों एक छोटी सी ट्रिक जो मैंने आपको बतानी चाहिए, आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में वापस मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।